सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। दूसरे वनडे में भी भारत की हार और सीरीज भी गवाई। जी हां, तीन वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दो मैच हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहले वनडे की तरह ही दोनों सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और एरॉन फिंच भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े। डेविड वार्नर ने 83 तो वहीं फिंच ने 60 रनों का योगदान दिया और फिर एक बार स्टीवन स्मिथ ने शतक जड़ा। वहीं आखिर में मैक्सवेल की 29 गेंदों में 63 रनों की दमदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 389 रनों का अंबार सा खड़ा कर दिया। 390 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर एक बार अर्धशतकीय पार्टनरशिप के बाद विकेट्स गिरने लगे। हालांकि आज कप्तान विराट कोहली फॉर्म में दिखे और 89 रन भी बनाए, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। आखिर में केएल राहुल ने अर्धशतक जड़ के जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी से मुकाबला जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के प्रदर्शन पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।